नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजी और आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज। आई रुक करते हैं खबर की ओर। विकासखंड ताखा के अंतर्गत बने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचार रामपुरा में व्यवस्था चाक चौबंद रखने के लिए गांवों में तैनात सफाई कर्मी मनमानी कर रहे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय का ढेर लगा हुआ है, यहाँ पर सफाई कर्मी संजय कुमार तैनात है लेकिन वहाँ कभी भी दिखाई नहीं पड़ता। पचार रामपुरा कंपोजिट सरकारी विद्यालयों में भी गंदगी का ढेर लगा है, ऐसे में बच्चों में संक्रमण बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। गांवों में तैनात सफाई कर्मी के कार्य की देखभाल का जिम्मा ग्राम प्रधान व ब्लॉक के कर्मचारियों पर है, जबकि हालत यह है कि सफाई कर्मी दिखाई ही नहीं देते, जिसके चलते चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। अब परिषदीय विद्यालय में भी सफाई के लाले पड़ गए हैं। देखना हो तो विकासखंड ताखा के अंतर्गत बने उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचार रामपुरा आइए। विद्यालय परिसर में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है, जगह जगह कूड़े हैं। ऐसी दशा में गांव के गलियों की सफाई तो दूर की बात है, अब परिषदीय विद्यालय में भी गंदगी पसरी हुई है जिसकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। वहीं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में इस कदर कूड़े का ढेर लगा है जैसे कई वर्षों से इसकी सफाई ही नहीं हुई। गौरव शाकी की रिपोर्ट। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24।